हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सैमसंग ने हाल ही में गैलेक्सी A35 5G भारत में लॉन्च किया है, जिसे 30,999 रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस मोबाइल के मार्केट में आने के बाद कंपनी M सीरीज का नया स्मार्टफोन सामने आया है, जो सैमसंग गैलेक्सी M35 5G नाम के साथ इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपकमिंग सैमसंग का M सीरीज डिवाइस हाल ही में लॉन्च हुए गैलेक्सी A35 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के जैसे ही हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपकमिंग स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन्स की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फोन 1080x2340 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। ये स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आ सकती है। डिस्प्ले के मामले में आपको हमेशा की तरह सैमसंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्क्रैच वगैरह से बचने के लिए आपको डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन के साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो ये फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन यूआई 6.0 पर मिलने की उम्मीद है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना एक्सनोज 1380 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर रन करता है। तो आपको इसमें नॉर्मल गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और तो और इसमें आप मल्टीटास्किंग भी आराम से कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसमें 4 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल सकते हैं, तो सिक्योरिटी की तरफ से भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कैमरा की, तो फोटोग्राफी के लिए इसके बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का OIS सेंसर दिया गया है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हमेशा की तरह इसमें आपको कैमरे में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। पावर बैकअप के लिए इस फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं इस बड़ी बैटरी को तेज़ी से चार्ज करने के लिए स्मार्टफोन में 25W चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद होगा, तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें इसके स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, एक 6GB 128GB, दूसरा 8GB एक 256GB और तीसरा 12GB और 256GB। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट सैमसंग की तरफ से नहीं हुआ है, और प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी M35 5G एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने की उम्मीद है, जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी, अच्छा डिज़ाइन, अच्छा कैमरा और काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी काम देगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।